गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द स्कूल्स नाउअडेज हैव अ काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। आजकल स्कूल में एक समिति बनाई जाती है जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसिस्ट करती हैं। दिस काउंसिल हेल्प्स द स्कूल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स। ये काउंसिल स्कूल की हेल्प करती हैं डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। रोहन हैज ऑल्सो बीन सेलेक्टेड इन हिज स्कूल काउंसिल दिस ईयर। रोहन को इस साल अपने स्कूल की काउंसिल के लिए सेलेक्ट किया गया। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक इन विच 108, 162 and 270 स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6th, 7th and 8th रिस्पेक्टिवली वर गोइंग। स्कूल ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की क्लास 6th, 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 6 के में 108 स्टूडेंट थे, 7th में 162 स्टूडेंट थे एंड क्लास 8th में 270 स्टूडेंट्स थे जो कि पिकनिक पर गए। रोहन टीचर आस्क्ड हिम टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। रोहन के टीचर ने रोहन को अपने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की हेल्प करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेज रिक्वायर्ड इफ ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। हमें नंबर ऑफ बसेज फाइंड करनी है जो पिकनिक के लिए जाएंगी। कंडीशन दी गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच बस में जाने चाहिए और हर एक क्लास से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होने चाहिए। इसके लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 108, 162 and 270 का। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेज होंगी। लेट अस स्टार्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 108, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7 162, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 270। देयरफॉर नंबर ऑफ बसेज हमारी बनेगी HCF ऑफ 108, 162 and 270। अब आप HCF किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो मेथड आप यहाँ पर यूज करें। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं, बाय कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास HCF इजी वे में कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड यूज करेंगे HCF फाइंड करने के लिए। कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड जब 3 नंबर्स के लिए HCF फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है तब हम सबसे बड़े 2 नंबर का पहले HCF निकालेंगे, बड़े वाले नंबर को डिविडेंट लेंगे, उससे छोटे वाले नंबर को डिवाइजर। 270 को 162 से डिवाइड करेंगे 1 जा पे, 162 माइनस करेंगे 108। अब पहले वाला जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंट बन जाएगा, उसको हम 108 से डिवाइड करेंगे, 108 वनजा 108 माइनस करेंगे 54। अब सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, पहले वाला डिवाइजर डिविडेंट बनाएंगे, 54 से डिवाइड करेंगे, 54 टू जा 108, आंसर रिमाइंडर इज 0। किसने रिमाइंडर 0 बनाया? दैट इज 54 ने। अब हम थर्ड नंबर को भी 54 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 108 को, 52 टू जा 108 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। सो फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 बना, वो 54 ने बनाया। सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ बसेज इज इक्वल टू HCF ऑफ 108, 162 एंड 270, दैट इज इक्वल टू 54 आंसर। बी पार्ट। As a member of school council, Rohan was made a part of decision making. What other values does the student council develop in a child? Answer is leadership quality, helping the needy, जरूरतमंदों की सहायता करना,
एटसेट्रा। नाउ सी पार्ट, सुजेस्ट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प योअर स्कूल इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ काउंसिल मेंबर। आंसर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। यू नो 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशन वृंदा एंड हर टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव अ साइकिलिंग रेस टू प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। इस अवसर पर वृंदा और उसकी दो फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो साइकिलिंग रेस करेंगी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। दे स्टार्टेड एट 12 नून। उन्होंने ये रेस 12 नून पर स्टार्ट की एंड टुक 3 मिनट 20 सेकेंड्स 3 मिनट 40 सेकेंड्स 4 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू साइकिल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। उन्होंने एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 मिनट 20 सेकेंड 3 मिनट 40 सेकेंड और 4 मिनट रिस्पेक्टिवली लिए। 3 मिनट 20 सेकेंड वृंदा ने लिए, 3 मिनट 40 सेकेंड उसकी फर्स्ट फ्रेंड ने लिए एंड 4 मिनट्स उसकी सेकेंड फ्रेंड्स ने लिए। नाउ पार्ट ए, इफ वृंदा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट। तो वो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है अगर वृंदा और उसकी फ्रेंड्स ने है ना साइकिलिंग 12 नून पर स्टार्ट की हो टुगेदर तो वो अगली बार कब मिलेंगी। नाउ पार्ट ए, टाइम टेकन बाय वृंदा एंड हर टू फ्रेंड्स इज गिवन बाय। वृंदा ने 3 मिनट 20 सेकेंड लिए, हर फर्स्ट फ्रेंड ने 3 मिनट 40 सेकेंड लिए, हर सेकेंड फ्रेंड ने 4 मिनट्स लिए। अब सबसे पहले हम टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो मिनट के सेकेंड बनाएंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एज इट इज राइट करेंगे, इट मीन्स प्लस कर देंगे। 360 जा 180 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। वृंदा ने सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में 200 सेकेंड्स लिए। हर फर्स्ट फ्रेंड ने 3 मिनट 40 सेकेंड्स लिए थे, 3 मिनट के सेकेंड्स बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 सेकेंड्स बनेंगे और 40 सेकेंड्स को प्लस कर देंगे, इट मीन्स हर फर्स्ट फ्रेंड ने 220 सेकेंड्स सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में लिए एंड हर सेकेंड फ्रेंड्स ने 4 मिनट, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 सेकेंड्स बनेंगे। उसकी दूसरी फ्रेंड ने सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए 240 सेकेंड्स लिए। अब उन्होंने इकट्ठा रेस स्टार्ट की थी 12 नून पर। अगर हमें ये फाइंड करना हो कि वो अगली बार नेक्स्ट कब मिलेंगी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम LCM फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 200 सेकेंड 220 सेकेंड एंड 240 सेकेंड्स का। नाउ वी विल फाइंड LCM ऑफ 200 220 एंड 240 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन साइन के अंदर हम 200 220 एंड 240 को राइट करेंगे। फर्स्टली प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे 100 110 120, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 50 55 60, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 25 55 एज इट इज एंड 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 एज इट इज 55 एज इट इज 15। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 25 एज इट इज 55 एज इट इज 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 11 1, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 11 एज इट इज 1 एंड 11 से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज 1 1 एज इट इज। देयरफॉर LCM हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 5 जा 200, 240, 240 5 जा 1200, दैट इज 1200
एंड 1200 को 11 से करेंगे 13200 सेकंड्स, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड्स में दी गई थी, तो जो भी एलसीएम हमारा निकला है वो सेकंड्स के साथ आएगा। अब हम सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब सेकंड से हमें मिनट बनानी हो तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 220 पे 1320 कैंसिल होगा। आप डिवाइड करके भी ये फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो सेकंड्स 13200 थी अब वो मिनट में कन्वर्ट हो गई हैं, दैट इज 220 मिनट्स। अब 220 मिनट्स के हम हावर्स और मिनट बनाएंगे। इसके लिए हम हावर्स जब बनाने हो तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं 220 को 60 से, 63 जा 180 एंड 40, रिमाइंडर जो बचेगा वो 40 मिनट्स हैं एंड जो हमारा क्वेश्चन आया वो हावर्स बनेंगे। इट मीन्स एलसीएम जो हमने यहाँ पर निकाला था उसको हमने हावर्स और मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज 3 hours 40 minutes। हमने यहाँ पर जो हमारा एलसीएम 13200 सेकंड्स था उसको पहले मिनट में कन्वर्ट किया 220, फिर मिनट को हमने हावर्स और मिनट्स में कन्वर्ट किया। डिवाइड करके आप यहाँ दिखा सकते हैं हमारे पास 3 hours 40 minutes जो एलसीएम था वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वृंदा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड टुगेदर इज इक्वल टू 12 noon। उन्होंने रेस जब स्टार्ट की थी 12 noon से की थी, देयरफॉर दे विल मीट नेक्स्ट। वो अगली बार मिलेंगी 12 noon प्लस एलसीएम। एलसीएम हमने निकाला है 3 hours 40 minutes। अब 12 noon में अगर हम 3 hours ऐड करेंगे तो दोपहर के 3 बजेंगे, इट मीन्स 3 PM उसे हम राइट करेंगे, प्लस 40 minutes। 3 PM में अगर 40 मिनट्स हम ऐड करते हैं तो उसे राइट किया जाएगा 3:40 PM, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट बी, सुजेस्ट द वेज बाई विच यू कैन सेव द एनवायरमेंट। हमें वो वेज यहाँ पर सुजेस्ट करने हैं जिससे हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर पाएं। आंसर इज कार पुलिंग। कार पुलिंग का मीनिंग होता है जब हम एक ग्रुप के लिए एक ही कार का यूज करें, इट मीन्स अलग अलग गाड़ी का यूज ना करके एक ही गाड़ी में अपनी डेस्टिनेशन तक जाएं। एंड अदर वेज इज बाय यूजिंग CNG व्हीकल्स। अगर हम CNG व्हीकल्स का भी यूज करते हैं तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में हमारी हेल्प करेगा, इट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।